Cook and Bakes since 2010. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुक एंड बेक्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको तंदूरी पनीनी सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन आगे जाने से पहले आपको कहती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुँच सके। और जो वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे, उसको शेयर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे, पनीनी ब्रेड बनाएंगे। ये इटालियन ब्रेड होती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है, सॉफ्ट ब्रेड होती है। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैंने 2 कप मैदा लिया भर के, अगर ग्राम में जाएं तो ये 300 ग्राम मैदा बनता है। 1 चाय का चम्मच मैंने चीनी ली है, आप किसी भी तरह की चीनी ले सकते हैं, पिसी हुई या साबुत, मैंने साबुत ली है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने मक्खन लिया है, रूम टेम्परेचर पे हो। 1 चाय का चम्मच यीस्ट लिए मैंने, और ये मेरे पास नमक है, 3/4 टीस्पून यानी 2 चुटकियाँ नमक लिए मैंने, और 1 कप मेरे पास नीम गर्म दूध है। मैं उसी तरह ही करूँगी जिस तरह मैं अपने पिज़्ज़ा की डो में या जिस तरह भी मैं करती हूँ, पहले मैं देखूँगी कि ईस्ट मेरी जो है वो एक्टिव है कि नहीं। मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी और साथ ही मैं यीस्ट डाल के इसको मिक्स करूंगी और 3 से 4 मिनट इसको छोड़ दूंगी। जब मुझे पता लगेगा मेरी यीस्ट एक्टिव है तो मैं अगला प्रोसीजर करूंगी। जी नाज़रीन, ये देखें मेरी यीस्ट जो है वो एक्टिव हो चुकी है, इसका मतलब है हमारी डो बहुत अच्छी इंशाल्लाह गूंदी जाएगी। इसको मैं इस बाउल में डाल रही हूँ और ये मेल्टेड बटर भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। बटर आपने रूम टेम्परेचर वाला इसके अंदर डालना है। अब मैं ये नमक भी इसके अंदर डाल दूंगी और ये मैदा इसके अंदर डाल के इसको पहले मैं इस तरह मिक्स करूंगी। देखिए नाज़रीन, इसको मैंने मिक्स कर लिए सारे को। अब मैं इसको इस तरह रोल करके गूंदूंगी। आपने इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से इसी तरह ही हाथों को इस तरह कर करके और आपने इसको गूंदते रहना। अच्छा देखिए, इसको मैंने ऐसे रोल कर लिया है, इसको मैंने राइज नहीं किया, आपने इसको राइज नहीं करना। अब मैं इसके पेड़े बना लूंगी। आपने ब्रेड को जो है ओवल शेप में बनाना है, रेक्टेंगल शेप में बनाना है, जिस तरह आपका दिल करता है आप वो बनाएं। आप ये सारे पेड़े इस तरह करें। और इस तरह कर दें, सब आपने इसी तरह करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमने इसको बेलना है। आपने इसको ओवल शेप में जो है वो बेलना है। ये देखें, मैंने इसको ओवल शेप में बेल दिया। आपने इतनी मोटाई रखनी है, ठीक है। अब सब मैं जितनी रोटियां हैं सबको मैं इसी तरह बेल के अब मैं राइस करने के लिए इसको रखूंगी। 15 से 20 मिनट इसको राइस करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें मैंने अपनी सारी रोटियां जो है वो ब्रेड वो बेल दी हैं, बेल के ऑल शेप में मैंने इनको। अब मैं इनको राइस करने के लिए रखूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। इनको रैप करके क्लिंग कर लूँगी या कोई भी आप इसके ऊपर कपड़ा रख के आप इसको गर्म जगह पर रखें। तो फिर मिलते हैं जी। ये देखें हमारी ये जो ब्रेड है राइज हो चुकी है। अब मैं इसको तवे पे बेक करूँगी। आप अगर इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 पे अपने ओवन को प्री हीट कर लेना है 10 मिनट के लिए। फिर आपने इसको 175 डिग्रीज में 15 मिनट बेक करना है। इसको कलर नहीं आने देना, सिर्फ इतना कि ये अंदर तक जो है वो पक जाए। मैं इसको तवे पर बनाऊँगी। चलिए अब इसको तवे पर रखते हैं।
अच्छा, मैं इसको तवे पे रख रही हूँ। आपने हीट जो है वो मीडियम टू लो रखनी है। हीट आपने ज़्यादा नहीं रखनी है। देखें, अब मैं इसको हल्के हाथ से इसको पलटूंगी। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह कलर करना है इसका। अच्छा, अब मैं इसको उतार लूंगी क्योंकि हमने इसको ग्रिल भी करना है। मैं दूसरी वाली को भी इसी तरह कर रही हूँ। आपने हीट जो है फ्लेम बहुत लो रखनी है और आपने इसको हल्का हल्का ऊपर से इस तरह प्रेस करते रहना है। ये देखें, जो पहले वाली मैंने उतारी थी ये अंदर से पक चुकी है। ये दोनों आपने इनको दरमियान में से इस तरह कट कर लेना है। जी नाजरीन, ये हमारी सारी जो पेरिनी ब्रेड है ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर की जो फिलिंग है वो तैयार करूँगी। फिलिंग के लिए मुझे चाहिए, मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, उसको मोटा मोटा कीमा कर लिया। इस तरह आपने इसको करना है। मशरूम चाहिए मुझे, इनको भी आपने चॉप करना है। तंदूरी मसाला 1 खाने का चम्मच, होममेड है, मेरी रेसिपी है इसकी। आप अगर इसको बनाना चाहते हैं घर में तो आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं। ये 1 छोटे साइज़ का प्याज लिया, इसको बारीक चॉप कर लिया। 1 अदद शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की, इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया। ये ऑयस्टर सॉस है, 1 चाय का चम्मच ये लिया। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका, और ये मोजरीला स्लाइस हैं। मैंने इनको इस तरह काट लिए। आपके पास नहीं है तो आप मत यूज़ करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन लिया, पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर मैं ये चिकन का कीमा डालूंगी और इसको कलर चेंज होने तक इसको मैं पकाऊंगी। ना देखें, इसका कलर चेंज हो गया, चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ये सिरका डालूंगी, सोया सॉस, और ये ऑयस्टर सॉस। अब मैं इसको 1 मिनट और मज़ीद पकाऊंगी। नाज़रीन, अब पूरा 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये तंदूरी मसाला डालूंगी और ये सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर दूंगी। मज़ीद इसको 1 मिनट भूनूंगी। ये 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये शिमला मिर्च और प्याज शामिल करके इसको 2 मिनट इसी तरह फ्राई करूंगी और फिर आंच इसकी बंद कर दूंगी। ये भुन गया। अब लास्ट में इसके अंदर मैं ये मशरूम शामिल कर दूंगी। तो 1 मिनट पकाने के बाद चूल्हे से उतार लूंगी और बिल्कुल ठंडा कर लूंगी। जी नाजरीन, ये हमारी पनीर साइड में की फिलिंग रेडी है। अभी मैं इसको बिल्कुल ठंडा करूंगी और हम पनीर सैंडविच की जो है वो फिलिंग करेंगे, इसको असेंबल करेंगे। जी नाजरीन, अब हम पनीनी सैंडविच की फिलिंग करेंगे। ये मैंने मायोनीज ली है, 4 खाने के चम्मच भर के मायोनीज ली है,
और 1/4 कप मैंने इसमें लिया है चिली गार्लिक सॉस। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी इसके अंदर, इसका डिप सॉस बना लूंगी। मैं सॉस को इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी इस तरह। और ये जो चिकन बनाया हुआ है इसकी फिलिंग है इसके अंदर इस तरह। इसको डाल के ये चीज के जो स्लाइस हैं मैं रख के इसको सबको इसी तरह तैयार करके फिर मैं ग्रिल करूंगी। मैंने ग्रिल पैन में ऑयल डाला है, 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल के अब मैं इसको सारे इधर इसको फैला दूंगी। सैंडविच इस तरह इसके ऊपर रख दूंगी। को आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह प्रेस करना। जी नाजरीन, ये देखें हमारे मज़ेदार पनीनी सैंडविच रेडी हैं, ग्रिल पनीनी सैंडविच रेडी। आप इसको चीज़ सैंडविच भी कहते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कट करके। ये देखें हमारा ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ी पनीनी सैंडविच रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें घर में, बहुत मज़े की रेसिपी है। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी जो वीडियो आपको पसंद आए उसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।